हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। मैं काफ़ी दिनों से, यूँ बोल सकते, मैं पिछले चार सालों से मास्टर नोट्स अब तक मैंने काफ़ी स्टूडेंट को दे चुका हूँ। लगभग मैं 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं इसको दे चुका हूँ। और हमारे मास्टर नोट्स को पढ़ करके हज़ारों स्टूडेंट ने नौकरी पा लिया है, अपने अपने सपने को पूरा कर लिया है। लेकिन ये मास्टर नोट्स के बनने के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में खास बात क्या है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे बने रहिए। पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोको पायलट के लिए स्पेशल यही एक चैनल है यूट्यूब पे, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज, स्पेशली लोको पायलट के लिए। मैं खुद लोको पायलट छोड़ करके आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग का है और मास्टर नोट्स का बिजनेस एक तरह से बोल सकते हैं, और हम स्टूडेंट लोगों को हेल्प करते हैं उसको नौकरी लेने में। तो हमारे पास जो टूल है वो एक है मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स जो है, मैंने देखा कि मार्केट में जितने भी किताबें मिलती थी, कोई भी किताब में ये बात लिखा हुआ नहीं था कि हमारे इस किताब को पढ़ लो, आपको 90% या फिर 80% या 70% क्वेश्चन जो है हमारे इसी किताब में से आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने इसी पर गौर किया, आखिर ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उस किताब को लिखने वाले का एक मकसद होता है कि जो किताब मार्केट में जाए वो सारे एग्ज़ाम के लिए काम कर जाए, ताकि उसकी बिक्री बढ़े। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक स्पेशलिस्ट लोको पायलट की तरह पढ़ाता हूँ, मैं इसी का चैनल बनाता हूँ और इसी के लिए स्पेशली किताब लिखता हूँ। तो लोको पायलट या बोल सकते हैं रेलवे, जो ग्रुप टी हो सकता है, NTPC, RPF, ये सब किताब। तो रेलवे का जितना भी सिलेबस था, जितना भी क्वेश्चन आते थे, जितना भी टॉपिक था क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो वो सारे के सारे टॉपिक को मैंने रिसर्च किया, उसको मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक उसको मैंने लिखा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कितना मेहनत मैंने उसमें किया। एक पेज को लिखने में कभी कभी मुझे पूरे पूरे 12 घंटे मुझे चेयर और टेबल पर बैठना पड़ता था पूरे गर्मी में, तब जाके उसको मैं टाइप कर पाता था। और मैंने इतनी मेहनत से मैंने उसको बनाया है। और उसके बाद मैं क्या सोच रहा था कि यार चलो एक ही बार तो मेरा मेहनत जा रहा है, फिर बाद में उसी को प्रिंट करवा के सारे स्टूडेंट को देते रहेंगे, फिर हमारा ये जो टाइम बर्बाद हुआ बाद में जाकर के मेकअप हो जाएगा। और यही सब हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नोट्स बिल्कुल सेल हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसके बारे में हम प्रॉपरली कोई वीडियो नहीं बनाते, बस एक या दो बार हम चर्चा कर देते हैं कि चलो ये मास्टर नोट्स है। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल स्पेशल मास्टर नोट्स के बारे में ही है। तो मास्टर नोट्स में क्या होता है कि स्टूडेंट लोग हमसे बोलते हैं कि यार आप कैसे बोल सकते हो कि 90% क्वेश्चन जो है मास्टर नोट्स में से आते हैं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, आपका कोई कांटेक्ट क्या है, आपका कोई कांटेक्ट है क्या अंदर में, या फिर आप ही पेपर सेट करते हो। तो मैं उसको बोलता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी आप काम करते हो उसको पहले आप लिमिट करिए कि आखिर हमें कितना करना है। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको 31 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में भी आपको 30 चैप्टर पढ़ना है, रेलवे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है नहीं पता होगा, 22 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है 15 चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है 16 चैप्टर पढ़ना है। तो यानी कि आपको देखिए मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, ये लगभग आपको 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर करता है, और 10% करंट अफेयर्स, यानी बोल सकते 93% जो क्वेश्चन है वो मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स में से आते हैं। जीके का क्वेश्चन जो है नहीं आता। तो जीके में जो क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम पूछता है रेलवे एग्जाम में। लेकिन स्टूडेंट की जो क्या प्रॉब्लम होती है, वो इस उसको पता नहीं कि किसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं है, बस लुसेंट में हो या फिर SPD में या फिर उपकार में हो, कहीं पे भी उसको बस एक लाइन से बस पढ़ते गया और उसका रिजल्ट हो सकता है निकल भी जाता है, नहीं भी निकलता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जिस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सब्जेक्ट के अंदर में जो टॉपिक होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ा जाए तो उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि स्टूडेंट लोग जो होता है वो कहाँ से शुरुआत करें पढ़ाई की, बस एक या दो चैप्टर पढ़े उसको बोरिंग लगा फिर वो छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं कि हम कितना पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ को मैंने लिमिट किया, जो कि अनलिमिटेड चीज़ को मैंने लिमिट किया। लिमिट बोले तो जैसे आपको फिजिक्स कवर करना है, फिजिक्स में टोटल 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 8 क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल एक्यूरेट 8 से 9 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
तो आपको इस 8 या 9 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको फिजिक्स के 22 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और यही 22 चैप्टर, अब ऐसा नहीं कि इंडिया का फिजिक्स है तो पाकिस्तान में भी वही फिजिक्स है, चाइना में भी वही फिजिक्स है, जापान में भी वही फिजिक्स है, नेपाल में भी वही फिजिक्स होगा जो भी पढ़ाए, या फिर ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन, हर जगह पे फिजिक्स वही है, ग्रेविटी चैप्टर वही है, न्यूटन ने वही 3 नियम दिए थे, वही 3 नियम को पूरी दुनिया पढ़ रही है, यानी कि पूरा पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है पढ़ाई का, क्वालिटी का, वही क्वेश्चन सब जगह, मतलब एग्जाम्पल आपको मैं पूरा देश विदेश का इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंडिया में वही साइंस चलती है, फिर US में कोई और साइंस चलती है, या फिर ब्रिटेन में कोई और साइंस चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो इंडिया का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, ओ तेरी लाइन चली गई, चलो ठीक है, थोड़ी कम रोशनी में काम चलाते हैं। तो इंडिया का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको ब्रिटिश ने शुरू किया था 1853-54 में, उन लोगों ने ही शुरू किया था इसको, तो उस समय से ये सिस्टम चली आ रही है, तो पढ़ाई पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग में सेम ही रहता है। तो अब इतना जब लिमिट हो गया, जब मान लीजिए जब 22 चैप्टर हमको फिजिक्स का पढ़ना है, तो इस 22 चैप्टर के बीच में कोई भी एक जो चैप्टर आता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, मैंने गति का जो नियम होता है, मोशन चैप्टर है, इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बने उसको मैंने लिखा। उसके बाद इस मोशन चैप्टर में से अब तक के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसको मैंने अपने नोट्स में कलेक्ट किया, और इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन सकते थे, संभावना जितनी बनने की है उसको मैंने किया, और सभी क्वेश्चन को मैंने नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 200 या फिर 300 क्वेश्चन बना एक चैप्टर के अंदर में, किसी किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन ही बनता है, किसी चैप्टर में 500-600 क्वेश्चन ही बनता है, यानी कि क्वेश्चन का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, या फिर उसका वैल्यू होता है, या फिर बोल सकते उसका कितना बड़ा उसका एरिया होता है, उस अनुसार क्वेश्चन बनता है, उतना क्वेश्चन पूछा गया होगा उस अनुसार मैंने उस नोट्स को लिखा। अब मान लीजिए जैसे कि ग्रेविटी चैप्टर में हमने 300 क्वेश्चन लिखा, जिसमें लगभग में 150 क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया जहाँ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैंने फिर अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किया, तो अब मैं उस 90% क्वेश्चन की गारंटी वाली मैं बात कर रहा हूँ, कि गारंटी मैं इसलिए ले लेता हूँ कि जितने क्वेश्चन पूछना था पूछ लिया, जितना संभावना हो सकता था मैंने लिया। अब जरा आप ही बताइए कि न्यूटन ने गति के 3 ही नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के यही 3 नियम दिए थे, गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब कहीं भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे IIT के एग्जाम में ही कहीं नहीं पूछ दे, UPSC के एग्जाम में ही कहीं नहीं पूछ दे, न्यूटन का चौथा नियम कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं, कहीं नहीं पूछ सकता, न्यूटन का 5वां नियम कहीं नहीं पूछ सकता, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 नियम दिया, और वही 3 नियम में से निकाल करके जितना भी क्वेश्चन बनाना हो, अपनी तरफ से क्रिएट करना हो क्वेश्चन सेटर को, उस तरह से करता सेट। तो हम जो है क्वेश्चन सेटर के माइंड के अनुसार हमने सोचा कि कैसे क्वेश्चन सेट होता है, और उस अनुसार मैंने क्वेश्चन लिखा, और वो मैंने मास्टर नोट्स में कलेक्ट किया, सभी टॉपिक का, सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का, और एक 0 लेवल स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा, चलो यार किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2 महीने के बाद है, और अगर वो आज से हमारा मास्टर नोट्स पढ़ना शुरू कर दे फिर भी उसका रिजल्ट आना चाहिए, उस अनुसार एक ऐसा हमको मास्टर नोट्स चाहिए। तो मास्टर नोट्स, समझ रहे हो, मास्टर नोट्स, मास्टर की होता है, उससे सारे ताले की चाबी को, सारे ताले मास्टर की होता है एक्चुअली, तो उससे क्या होता है कि जितने भी ताला होता है लगभग में सभी ताला खुल जाते हैं, उसी तरह से मास्टर नोट जो है वो सारे एग्जाम का मास्टर की है, मास्टर चाबी है, उससे सारे एग्जाम लगभग में क्लियर हो जाएंगे अगर बस आप एक बार पढ़ लेते हैं तो। तो ये बहुत आसान है, इसको कोई भी स्टूडेंट को लेकर के पढ़ना शुरू करके और आसानी से बिल्कुल कंपटीशन की शुरुआत कर सकता है, फिर उसको सारी जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद मार्केट में जितनी सारी किताबें हैं इस मास्टर नोट्स को पढ़ने के बाद वो सारी की सारी किताब आपको समझ में आ जाएगी, सबका रिवाइज हो जाएगा और सब आसानी से आप कवर कर ली, चाहे वो कोई भी किताब हो, RS अकबाल हो, सगीर अहमद हो, या फिर M Tiger की कुंदन हो, या फिर अचीवमेंट हो, लूसेंट हो, किरण हो, उपकार हो, उपहार हो, यही सब हमारे आसपास मिलती है, और सब जगह का मुझे पता नहीं, या फिर एक नया कौन सा टीचर है बहुत फेमस है, राकेश यादव का किताब हो, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे हमारे मास्टर नोट्स को बस एक बार पढ़ने पर। अगर आप हमारे मास्टर नोट्स को नहीं पढ़ते तो आपको कंपटीशन की शुरुआत करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, 2-4 एग्जाम में आप फेल हो जाएगा तब जाके आपको पता चलेगी। वैसे हमारे पास तो बहुत सारे फेल स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल है और बहुत सारे पास स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल है,
फेल स्टूडेंट ने क्या गलती किया उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, पासिंग स्टूडेंट ने क्या सब अच्छे काम किए वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, उसके बाद जा करके आप लोग किसी एग्जाम को पास कर पाते हो। तो बस कम से कम अगर आप मास्टर नोट्स भी लेते हैं तब भी आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और इस मास्टर नोट्स का आती है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, जो इसी मास्टर नोट्स का वीडियो फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना मैथ में परसेंटेज चैप्टर, फिजिक्स में ग्रेविटी चैप्टर, या फिर केमिस्ट्री में कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, जैसे कि अम्ल भस्म लवण पढ़ना है, या फिर बायोलॉजी का ले लीजिए सेल चैप्टर, जितने भी चैप्टर है जितने भी बुक है ये सभी का मैंने मास्टर नोट्स स्मार्ट वीडियो कोचिंग तैयार किया, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे भी आती है। आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब वीडियो कोचिंग आती है। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका बस आप एक कोर्स खरीद लीजिए और बस आप इसी में आप तैयारी करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आप अपने आसपास के स्टूडेंट को देखिए कि वो एक बार उसको एग्ज़ाम निकलता नहीं, एक्चुअल में उसका रीज़न ये होता है उसको सारा चीज़ पता होता नहीं है, और मुझे सारा चीज़ पता है, बस मैं अपने नॉलेज को आप तक शेयर करूँगा अपने वीडियो कोचिंग के माध्यम से, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, या फिर हम अपने मास्टर नोट्स के माध्यम से, या फिर स्मार्ट वीडियो कोचिंग के माध्यम से, कोई भी एक माध्यम आप पकड़े रहिए, उसी से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, अगला जो वीडियो होगा वो हम स्मार्ट वीडियो कोचिंग के बारे में बहुत बारीकी से बताएंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मास्टर नोट्स लेना हो तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हिसाब बाय कर लीजिए, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप संडे के दिन अगर आप मास्टर नोट्स लेते तो आपको थोड़ी प्राइस कम पड़ती है, क्योंकि संडे सुपर सेल चलती है, और हमारा यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक का जितना हमको एक्स्ट्रा हमको प्रिंट मिल जाती है, यानी कि स्टॉक एक्स्ट्रा रहती है, उसको हम संडे को खाली करते हैं और सोमवार से नया स्टॉक हम बनाते हैं। तो इस तरह से चलती है सारी सिस्टम। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को तब तक कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप बनना चाहते हैं लोको पायलट तो हम आपको बनाएंगे लोको पायलट, या फिर अगर आपके पास है कोई भी अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं सरकारी तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि हम नौकरी छोड़ चुके हैं आपके नौकरी के लिए। थैंक यू सो मच।